सेल्फी मैंने ले ली आज, बंदूक मैंने खरीद ली आज, गोली उसमें भर ली पांच बार डालूंगा। क्या था का? तीन चक पूजा, तीन पक पूजा नहीं। अरे मैम क्या हुआ? तीन चक पूजा को पहचानते हो? हाँ पहचानते ना भाई, फैन है भाई। तीन चक पूजा उसका सॉन्ग। अरे वो चुतिया गिरी है रे एकदम, क्या है। अब मेरे घर के छोटे बच्चे इससे अच्छा गाते है, रंडी बात घर के। वो इधर दिखनी चाहिए, किधर भी दिखी ना वो भाई मार देंगे पब्लिक उसको। उसके लिए कुछ मैसेज, उसको कौन भेजेगा मैसेज, पागल है उसको मैसेज कौन करेगा। अरे मैं कुछ बोलने का है क्या? नहीं नहीं कुछ बोलने का भी नहीं, उसको कुछ बोलने लायक नहीं हो। कौन सा गाना उनका अच्छा लगा? उनका है अभी दिलों का शूटर। अरे दिलों का सेल्फी मैंने ले लिया, वो सब बकवास। अरे हाँ भाई अभी नया गाना है ना उसका, वो स्कूटर स्कूटर का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। अरे बहुत बेकार है भाई, एक 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 लाइन को भाई तीन तीन बार ले लिए भाई। उस दिन इंटरव्यू में क्या 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 बोल रही थी वो, बोले और अच्छा गाऊंगी, ये अच्छा है भाई उसका, ये अच्छा आया भाई। अच्छे पूजा के लिए कब्रिस्तान बुक कर दो भाई। हाँ देखा है। तो आपको सॉन्ग फाइनल कैसा लगा? बदनामी भी नाम होता है ना, तो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन दैट्स ओके। अच्छा सॉन्ग था, यू लिसन इट मेनी टाइम्स, आई एम हैप्पी। गिव मी वन मैसेज टू दिन तक पूजा डायरेक्टली, जस्ट स्टॉप मेकिंग योर सॉन्ग्स प्लीज। मैं सच बताऊं ना, ढिंचक पूजा के लिए मैं मर जाऊंगा और उसको कभी सिंगर के रूप में देख पाऊंगा एज अ आर्टिस्ट। क्या गाना है, मतलब सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने, अबे सेल्फी तो मैं भी लेता रहता हूँ। गाना मैंने बनाया ना आज तक, मैं तो उसका डाई हार्ट फैन हूँ, बस इतना कहना चाहूँगा। दिल पे लगते हैं उसके गाने सीधा दिल पे, मुझे लगता है अगर अगला गाना उसका आया ना तो मैं मर ही जाऊँगा। यूट्यूब पे भाई फेमस है। अरे पता है भाई ढिंचक पूजा पसंद, पता है तुम क्या उसके फैन हो? अरे बहुत बड़े फैन हूँ भाई ढिंचक पूजा के। सच्ची दिल से बोल, सच्चे दिल से नहीं बोल रहा हूँ भाई। भाई ढिंचक पूजा छोड़ दी ना तो ये शादी पक्का कर लेंगे उसके। पक्का शादी कर लूंगा अगर उसने गाना छोड़ दी भाई। तो उसके लिए कुछ मैसेज? भाई उसके लिए कुछ निकलता ही नहीं भाई। मैं देखा हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है। पसंद तो हर किसी को है लेकिन कोई बोलता नहीं, सब यही बोलते पसंद नहीं। सर आपने तो देखे? हाँ देखे सारे गाने, देखे सही में यानी सिरदर्द हैं सारे के सारे। सलमान खान की मूवी आ रही है टाइगर जिंदा है, अगर उसमें इसको अगर गाने का मौका मिल गया तो ढिंचक पूजा को मैं इसमें बोलना चाहूँगा, उसमें अगला हीरो मैं हूँगा। सॉन्ग तो अच्छा लगा। क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो ऑन कैमरा, झूठ बोल रहे हो। अच्छा ढिंचक पूजा जो यूट्यूब पे, अच्छा उसकी बात करें ना आप, देखा एकदम फनी टाइप है थोड़ा, अच्छा तो लगा। वो बियर बार के अंदर नाचती है ना, है ना एकदम चुप्पड़ वाला, कैरी मिनाटी ने उसका मजाक उड़ाया था। इट्स बिकॉज ऑफ द इडियोटिक जेस्चर ऑफ इंडियंस दैट वी आर बेसिकली पेइंग सो मच ऑफ अटेंशन टू हर, एंड आई थिंक इट्स अ शेम टू द म्यूजिक इंडस्ट्री बेसिकली। नो कमेंट्स। उसके बारे में अपनी राय बताइए। बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम वाला काम किया है एक्चुअली उसने, और जो भी लोग व्यूज़ दे रहे हैं उनको व्यूज़ नहीं देने चाहिए यूट्यूब पे जाके, तो वो बहुत ही स्टूपिड आइडिया है। आपने भी देखा है तो आपका भी एक व्यूज़? मैंने सिर्फ एक ही वीडियो देखा, वो ही देखने के लिए कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है, उसके बाद मैंने एक भी वीडियोज़ देखे नहीं इसीलिए। लेकिन वो पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है उसको? पसंद नहीं आ रहा है, वो अजीब है वो सॉन्ग, उसमें पसंद आने वाली क्या बात है, मतलब कुछ भी, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स है वो एक ही लाइन पूरे इसमें चला रही है, ये थोड़ी होता है। और एक तो तू गाना छोड़ दे या तो हम दुनिया छोड़ दे। भाई तुम जी मेरे को उसका मुंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गाना तो पसंद आया, गाना भी पसंद नहीं आया, पसंद आया भाई। जी भाई गाना भी पसंद नहीं आया उसके, गाने की क्या देखे, पूरे गाने की माँ बहन कर दी थी ना भाई, वो करती नहीं करती नहीं। अब मैं तारीफ करूंगा उनकी थोड़ी सी, मैं भी करूंगा। चाय में रंग नहीं आता दूध के बिना, चाय में रंग नहीं आता दूध के बिना, गाने में कोई अच्छा नहीं लगता ढिंचक पूजा के बिना। मैं ये कहना चाहता हूँ हजरत से, या भाई खवातीन है आप हजरत है ना, तो ये हमारा मैसेज आप उन तक पहुँचाने बेटा, जो तेरा चेहरा ना बेटा 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 चेहरा ना उसका पूजा का, तो बेटा कुछ भी अच्छा लगता और गाती ज्यादा कुछ भी
अरे अरे क्या बोलना लेके जाओ तुम जाओ सॉन्ग दिनचक पूजा का आपको कैसा लगा? मैंने बस उसका सेल्फी और दारू दारू दो सॉन्ग सुना, दोनों भी एकदम बकवास लगा। तो अभी नया आया स्कूटर वाला? हाँ वो मैंने सुना, दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर कुछ तो किया है ना। हाँ कुछ तो एफबी पे आया था, उस पे कुछ तो केस किया है ऐसा कुछ तो एफबी पे पड़ा। इसलिए केस किया? वो उसके स्कूटर वाले सॉन्ग पे ऊपर, शायद उसका स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया। क्या पता उसका वॉइस जिस दिन खत्म हो जाएगा ना बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए कुछ मैसेज प्लीज, गाना गाना बंद करो, हम लोग को परेशान करना बंद करो, हम लोग देखो नहीं झेल पाएंगे। उसको लाइक के जगह उसके ऊपर पत्थर आते ना, उसको जरूर और पत्थर मिलते थे। सॉन्ग के बारे में कुछ बताएंगे? स्माइल से जज कर लीजिए ना उसका। तो उसके लिए कुछ मैसेज, एक छोटा सा मैसेज, कीप वर्किंग हार्ड, ऐसी एंटरटेनमेंट करो एंड डू कम टू मुंबई वन डे। चक पूजा ना, मैं क्या बोलूं, रेप ने इसने रेप कर दिया। मतलब गाना फाइनली कैसा लगा आपको? गाना मैटर का था ऐसा कि मतलब संगीत की दुनिया में बकवास। अगर उसके साथ में सेल्फी खिंचवाने मिल गया तो आपको? क्यों नहीं यार, शक्ल से अच्छी है। आपने देखा है मैम? आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट हर। क्यों, सॉन्ग अच्छा नहीं लगा? बहुत ही गंदा लगा। तो उसके लिए कोई छोटा सा मैसेज? नहीं कोई मैसेज नहीं है, बस उसे बोलना चाहूंगी कि गाना बंद कर दे। इतना अच्छा तो सॉन्ग है। मैं क्या बोलूं? अरे इनको भी पूछेगा। हां उनको भी पूछूंगा मैं, आप बता दीजिए। मिल गए तो आप बता दीजिए भाई। अच्छी सड़ी स्कूटर में बैठोगे? नहीं बैठेंगे। अबे भाई अच्छी सड़ी स्कूटर बोल रही, मेरी स्कूटर सबसे स्कूटर। अच्छा चलो स्कूटर जैसा मुंह हो रहा उसका। नहीं स्कूटर पे अगर आपको नहीं बैठना मत बैठो, उसके साथ में सेल्फी तो खिंचवाओ। नहीं खिंचवाएंगे बिल्कुल नहीं, नहीं झाड़ू झाड़ू लगाने वाले इसे के साथ खिंचा लेंगे, उसके साथ नहीं खिंचाएंगे। अबे पंदरिया साथ खिंचा लेंगे, उसके साथ नहीं खिंचाएंगे, उससे अच्छी तो पंदरिया है। अगर समझो अभी सलमान खान की मूवी आ रही है टाइगर जिंदा है, अगर उसमें आके वो अगर गाना वाना गाने लगी तो भाई सलमान की मूवी देखना छोड़ दूंगा।